तो आज हम बनाएंगे कर्नाटका स्पेशल मेथी पुलाव। आप इस पुलाव को कभी भी किसी टाइम में बना सकते हैं। ये बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। अभी मैं इसमें एक कप राइस डालूंगी। ये लगभग 5 मुट्ठी के करीब है। इसको 4 लोग आराम से खा सकते हैं। अभी इसको हम बोल में डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 टाइम्स। मैंने यहाँ पर राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हम इसको साइड में रख देंगे और अभी हम अपने मसालों को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भुना हुआ चने का दाल लिया है, 8 से 10 गार्लिक, फ्रेश कोकोनट, 1 इंच जिंजर, 2 ग्रीन चिली, 8 से 10 ब्लैक पेपर। अभी हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और दालचीनी और तेज़पत्ता को हम तड़के में डालेंगे। और मैंने इसको बिना पानी डाले ही ग्राइंड कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं ये इस तरह से ग्राइंड होकर रेडी हो चुका है। और मेथी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मेथी को अच्छे से धो के वॉश कर लिया और उसको बारीक कट कर लिया है। 1 कटोरी मैंने और एक आलू लिया है। ये कर्नाटका स्पेशल बीन्स है। अगर आपके पास ये बीन्स नहीं है तो आप इसके जगह में ग्रीन मटर यूज़ कर सकते हैं। और एक मीडियम साइज़ ऑनियन है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है और एक मीडियम साइज़ टोमेटो जिसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर में 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच घी। अभी यहाँ पर ऑयल और घी अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स डाल दूँगी, 6 से 7 करी लीव्स और जो तेज़पत्ता और दालचीनी हमने निकाल के रखे थे वो भी हम इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। और अभी मसाले अच्छे से भून चुका है। यहाँ पर मैं इसमें ऑनियन डाल दूँगी और ऑनियन थोड़ा फ्राई होने के बाद हम इसमें टोमेटो डाल देंगे। और अभी इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें और एक आलू डाल देंगे और इसको भी ऑनियन और टमाटो के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई होने देंगे। अभी यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। हम इसमें मेथी के जो पत्ते बारीक कट करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। और अभी हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसको 4-5 मिनट्स तक अच्छे से भून लेंगे। मेथी को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अभी मेथी भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। यहाँ पर जो हम मसाले ग्राइंड करके रखे थे वो डाल देंगे और उसको भी खुशबू आने तक अच्छे से भून लेंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अभी हम जो ग्राइंड किया हुआ मसाला डाले थे उसको खुशबू आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और अभी यहाँ पर मसाले जो है अच्छे से भून कर रेडी हो चुका है। हम इसमें राइस को डाल देंगे और राइस को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए हम इसके साथ में इसको पकने देंगे। और अभी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने जिस कप में राइस को मापे थे उसी कप में 2 कप पानी डाल रही हूँ। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिना ढक्कन लगाए इसको उबाल आने तक हम इसी तरह से पकने देंगे। और इसमें उबाल आ चुका है। यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दूँगी, 1/2 लेमन का जूस। लेमन के जूस से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हमारा जो राइस है वो भी अच्छे से अलग अलग रहता है। और यहाँ पर मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डाल दूँगी। टर्मरिक पाउडर बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और अभी गैस का फ्लेम पूरा लो में रख के हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। और अभी हमारा राइस यहाँ पर पक के रेडी हो चुका है। हम उसको चेक कर लेंगे। और अभी हमारा बहुत ही टेस्टी पुलाव बनकर रेडी है। मैंने जैसे ही ढक्कन खोला इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। और अभी आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं राइस कितना अलग अलग और बहुत अच्छे से बना हुआ है। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा गर्मा गर्म पुलाव सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।